अगर पंजाब का हक चंडीगढ़ के उत्ते इस तरीके दे नाल मारिया जाऊगा तो यह पंजाब के वजूद के उत्ते सवाल। पर मैं हमेशा कहना हुंदा कि यह लड़ाई हथियारां दी नहीं, लड़ाई विचारां दी है। और लगातार चंडीगढ़ के उत्ते पंजाब का हक कमजोर करन दीआं समें दी सरकारां दी कोशिशां रहीआं। हरियाणे का चंडीगढ़ के विधानसभा लई वक्री जमीन मंगना ते नाल ही साढ़े मुख्यमंत्री का यह कह देना कि जी सानू भी वक्री जमीन दिओ, जिहड़े मुख्यमंत्री नूं इही नहीं पता कि विधानसभा भी पंजाब दी है ते हाई कोर्ट भी पंजाब दा, ते उह वक्री जमीन मंग रहे ने। अज पंजाब यूनीवर्सिटी के जिहड़ा एक नवा फैसला उरे दे प्रशासन वालों लागू किया जा रहा है कि पंजाबी नूं ऑप्शनल सब्जेक्ट बना, साडी पंजाबी मां बोली दे नाल बहुत वड्डा धक्का है। तो अफसोस इस गल दा कि साडी पंजाब सरकार इस मुद्दे नूं जोर शोर दे नाल नहीं चक पाई। मुख्यमंत्री ने की बयान दिता कि मैं पांच दिन बाद इस गल ते बोलूँगा, मैं सारे नाल सलाह कर लाँ, जबकि यह पिछले साल हरियाणे की विधानसभा च 9 अगस्त में ही आ गया सी। की मुख्यमंत्री इस गल का इलम नहीं सीगा? और असी वाइस चांसलर साहब नूं भी उरों बेनती करते हैं कि यह जे जिहड़े तुगलकी फैसले ने यह वापस ले जाण और पंजाबी नूं लाजमी किया जाए, क्योंकि कल्ली पंजाब यूनीवर्सिटी की गल नहीं, इहदे नाल पौने 200 कॉलेज पंजाब का जुड़िया होया है। हाजिर हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर तो पंजाब टीवी उत्ते तुसीं वेख रहे हो जे एस लाडी नाल। खास तौर पर अज पहुंचे पंजाब यूनीवर्सिटी के, पंजाब यूनीवर्सिटी के उस जगह उत्ते जिस बिल्कुल जिते स्टूडेंट यूनियन वालों धरना लगाया गया जी, क्योंकि पंजाबी मां बोली नूं खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा उपराले किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ा कर रहे हैं। पंजाबी बिल्कुल पंजाब के खत्म किया जाए, जिहड़े कि पंजाब के अंदर यूनीवर्सिटी ने उन्होंने भी पंजाबी खत्म की जाए, हौली हौली पंजाब के पंजाबी खत्म हो जाए। पर अज साडे नाल विशेष तौर पर गलबात करन वास्ते पहुंचे ने चैनल के उत्ते बिल्कुल सरदार कलेर साहब जी। कलेर साहब बिल्कुल तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कलेर साहब। बिल्कुल अच्छी इतने पहुंचे हो, वैसे तो तुम्हारी रेजिडेंसी भी इतने, स्टूडेंट भी वैसे पंजाब के स्टूडेंट पढ़ लिख के गए, तुम्हें की लगता कि पंजाब जो पंजाबी खत्म हो जाएगी, पंजाबी हत्या बिल्कुल डाके बज रहे हैं, कि आने वाले समय के की दिक्कत महसूस होनगियां जी? देखो अज असी एक उस संजीदा दौर के गुजर रहे हैं जी, जिथे साडे वजूद के उत्ते गल खड़ी होगी। अज लड़ाई साडे वजूद की है जी। अगर पंजाब का हक चंडीगढ़ के उत्ते इस तरीके मारिया जाऊगा तो यह पंजाब के वजूद के उत्ते सवाल है। और मैं हमेशा कहना हुंदा कि यह लड़ाई हथियारां दी नहीं, लड़ाई विचारां दी है। और लगातार चंडीगढ़ के उत्ते पंजाब का हक कमज़ोर करन दीआं समें दी सरकारां दी कोशिशां रही हैं, चाहे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड होवे, चाहे सिटको होवे, फिर हरियाणे का चंडीगढ़ के विधानसभा लई वक्री जमीन मंगना ते नाल ही साडे मुख्यमंत्री का यह कह देना कि जी सानू भी वक्री जमीन दिओ। मैं मुख्यमंत्री दे उस बयान नूं बहुत घातक समझदा जिथे उन्होंने आप पंजाब दा हक कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिहड़े मुख्यमंत्री नूं इही नहीं पता कि विधानसभा भी पंजाब दी है ते हाई कोर्ट भी पंजाब दा, ते उह वक्री जमीन मंग रहे ने। सो इह किते ना किते पंजाब पंजाबीयत दे नाल धक्का है। ते अज पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच जिहड़ा एक नवां फैसला उरे दे प्रशासन वल्लों लागू किया जा रहा है कि पंजाबी नूं ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिओ। देखो पंजाब यूनीवर्सिटी पंजाब दे चंडीगढ़ के राजधानी के विच होवे, पंजाब के पिंडां नूं उजाड़ के बनिया चंडीगढ़ होवे, ते उत्थे पंजाबी नूं ही तुसीं कह दो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो फिर असीं अज कित्थे खड़े हैं? साडी पंजाबी मां बोली दे नाल बहुत वड्डा धक्का है। तो अफसोस इस गल दा कि साडी पंजाब सरकार इस मुद्दे नूं जोर शोर दे नाल नहीं चक पा रही। मुख्यमंत्री ने की बयान दिता कि मैं पांच दिन बाद इस गल ते बोलूँगा, मैं सारे नाल सलाह कर लाँ, जबकि ये पिछले साल हरियाणे की विधानसभा च 9 अगस्त में ही आ गया सी। कि मुख्यमंत्री नूं इस गल दा इलम नहीं सीगा? और पंजाब के गवर्नर जिस तरीके दे नाल इहदी विचोलगी कर रहे हैं, मैं उन्होंने भी बेनती करूँगा कि वह गवर्नर पंजाब दे ने, सो पंजाब की गल करन। ये जिहड़ा हरियाणे नूं चंडीगढ़ दे विच भारू किया जा रहा है, ये खिलाफ़ पंजाब के गवर्नर नूं भी आवाज़ चकनी चाहिए है, क्योंकि वह पंजाब के गवर्नर ने। सो इस तरीके दीआं जिहड़ीआं साजिशां लगातार पंजाब के खिलाफ हो रही ने, श्रोमणी अकाली दल दा डट के विरोध करता, और असी वाइस चांसलर साहब नूं भी उरों बेनती करते हैं कि यह जे जिहड़े तुगलकी फैसले ने ये वापस ले जाण और पंजाबी नूं लाजमी किया जाए, क्योंकि कल्ली पंजाब यूनीवर्सिटी की गल नहीं, ये नाल पौने 200 कॉलेज पंजाब का जुड़िया होया, तो उत्थे दे जिहड़े प्रोफेसर ने टीचर ने तुसीं उन्हां दे ढिड ते भी लत मारन की कोशिश कर रहे हो। सो इह सारियां चीज़ां नूं फौरी तौर प्रभाव से बंद करके पहलां वाली स्थिति बहाल की जाए। कलेर साहब तुसीं हुणे हुणे ये गल दसी भी पिछले साल तो लागू हो रहा, पर पिछले साल तो जिहड़ी पॉलिसी आ रही है, पर उस वक्त तो हुण तक कोई नहीं बोल पाया है जी पंजाब के अंदर? देखो ये विधानसभा हरियाणे दे विच मता आ गया सी, सो उस समय तक इहनूं लागू करन दी यूनीवर्सिटी दे विच गल नहीं सी। हरियाणा तो अपना हक मंग रहा, देखो किसी भी सूबे दे राइट है कि वह अपनी कोई भी गल करे, पर असल दे विच स्थिति तो वह रहूगी जो हैगी है। तुसी 1900 जिहड़ा साडा रीओरगनाइजेशन एक्ट है 1966 का, तुसी उहनूं उह तों बाहर नहीं जा सकते,
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਆਂਤਰ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ SOI ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰ ਕਾਲਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੂ ਹੀ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਦੋਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਮਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ PBC ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।